वेलकम टू आई केयर कोचिंग सेंटर। हम पढ़ रहे हैं कंप्यूटर्स। कंप्यूटर में हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था इनपुट डिवाइस, और आज हम पढ़ेंगे आउटपुट डिवाइस। इनपुट का मतलब मैंने बताया था, इनपुट मतलब कंप्यूटर के अंदर कोई डाटा डालते हैं तो उसके लिए अलग अलग प्रकार के डाटा को डालने के लिए अलग अलग प्रकार के डिवाइस का प्रयोग किया जाता है। उन सभी डिवाइसेस को क्या बोलते हैं? इनपुट डिवाइस। और अब हम कर रहे हैं आउटपुट डिवाइस, जो हमें रिजल्ट को शो करें। जो हमने डाटा डाला है उसको प्रोसेसिंग करने के बाद जो रिजल्ट शो करते हैं तो उसको क्या कहते हैं? आउटपुट डिवाइस। रिजल्ट दिखाते हैं आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस को मैंने दो कैटेगरी बनाई है। नंबर एक है सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस, और नंबर टू हम कहेंगे हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस। सॉफ्ट कॉपी एंड हार्ड कॉपी। पिछले लेक्चर में भी हमने किया था, सॉफ्ट कॉपी मतलब जो कंप्यूटर के अंदर स्टोर है, कंप्यूटर की मेमोरी के अंदर स्टोर है, किसी भी प्रकार की मेमोरी में स्टोर हो वो क्या होता है? सॉफ्ट कॉपी होता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं मेमोरी जो है वो इनपुट डिवाइस भी है और आउटपुट भी है। I/O लिखा है, आई मतलब इनपुट और ओ मतलब आउटपुट। तो मेमोरी दोनों काम करती है। मेमोरी के अंदर डाटा स्टोर करते हैं तो मेमोरी में इनपुट करवा रहे हैं, और मेमोरी से जब डाटा रीड करते हैं उसमें से देखते हैं डाटा तो वो क्या कहलाता है? आउटपुट। तो मेमोरी दोनों में आता है, इनपुट डिवाइस में भी और आउटपुट डिवाइस में। तो मेमोरी का अलग से टॉपिक है, उसमें हम पढ़ेंगे। और क्वेश्चन आ जाए, हमारा आया हुआ है बैंकिंग के अंदर क्वेश्चन कि मेमोरी किस प्रकार का डिवाइस है। तो मेमोरी उसने ऑप्शन दिया इनपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है, स्टोरेज है, ऑल ऑफ दिस। तो चार ऑप्शन थे, इनपुट, आउटपुट, स्टोरेज और ऑल ऑफ दिस। तो वो मेमोरी क्या है? इनपुट भी है, आउटपुट भी है, स्टोरेज भी है। तो आंसर क्या होगा इसका? ऑल ऑफ दिस। इन तीनों का काम करती है, इनपुट भी, आउटपुट भी और स्टोरेज का भी। तो और क्या लिख सकते हैं हम सॉफ्ट कॉपी में? जो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है उसको भी सॉफ्ट कॉपी बोल सकते हैं। सॉफ्ट कॉपी में हमने कह दिया VDU। स्क्रीन को क्या बोल दिया? VDU। जितनी भी प्रकार की स्क्रीन्स हैं सब क्या है जी? VDU है। VDU का पूरा नाम है विजुअल डिस्प्ले यूनिट। जो विजुअली दिखाए, जैसा है वैसे का वैसा दिखाए, ऐसी यूनिट उसको क्या बोलेंगे? VDU बोलेंगे। तो कैसी ऐसी स्क्रीन कौन कौन सी है? तो उसमें नाम लिखा मैंने, पहला नंबर लिखा मॉनिटर। पहले ज्यादा यूज होता था, अब कम देखने को मिलता है। मॉनिटर एक लाइक टेलीविजन। मॉनिटर किसकी तरह है? टीवी की तरह है। जो घरों में टीवी था, आजकल LCD LED आ गई है, पहले क्या था? टीवी था। टीवी स्पेस ज्यादा लेता है, जगह ज्यादा लेता है, बिजली की खपत टीवी के अंदर क्या है? ज्यादा है। और टीवी की तरह ही क्या है जी? मॉनिटर। तो स्पेस ज्यादा लेगा, इलेक्ट्रिसिटी खपत ज्यादा होगी, और भारी भी होता है, हैवी भी होता है। तो मॉनिटर के अंदर एक ट्यूब होती है, उस ट्यूब का नाम क्या है? उस ट्यूब का नाम है CRT। क्वेश्चन पूछा गया CRT का फुल फॉर्म बताइए। तो CRT होती क्या है? मॉनिटर के अंदर एक ट्यूब होती है, मेन ट्यूब होती है, जिसको पिक्चर ट्यूब भी नाम कहा गया। तो उसका नाम क्या है? CRT है। CRT का पूरा नाम क्या है? कैथोड रे ट्यूब। रे यानी किरणें निकलती है उसमें से, यहां कैथोड रेज निकलेंगी, सामने स्क्रीन से टकराएंगी, और स्क्रीन से टकराएंगी, स्क्रीन पॉलिश की होती है फास्फोरस नाम के पदार्थ से पॉलिश की होती है। जब वहां से उसके ऊपर कैथोड रेज टकराती है तो फास्फोरस चमकता है, जिसके कारण पिक्चर दिखाई देती है। और इस स्क्रीन का नाम क्या है? इस ट्यूब का नाम क्या है? कैथोड रे ट्यूब है, CRT बोलते हैं। तो कैथोड रे ट्यूब, तो ये मॉनिटर के अंदर होती है। तो पहली हमने स्क्रीन की, जिसका नाम का हमने CRT, मॉनिटर, कैथोड रे ट्यूब। नेक्स्ट है हमारा LCD। LCD का पूरा नाम पूछ सकता है। LCD का पूरा नाम है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले।
नाम से पता चल रहा है लिक्विड, यानी उसके अंदर कोई तरल पदार्थ है, लिक्विड है, स्क्रीन के अंदर लिक्विड भरा होता है। प्रेस करके देखेंगे तो लिक्विड की जो प्रॉपर्टी होती है फैलने की, वैसे आपको महसूस होगी। तो लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले है, तो लिक्विड के अंदर लाइट पास होती है, पोलराइज लाइट, लाइट पास होती है जिसके कारण पिक्चर दिखाई देती है। उस स्क्रीन का नाम क्या है? एलसीडी है। तो एलसीडी की तरह ही है एलईडी। एलईडी का पूरा नाम लाइट एमिटिंग डायोड, मतलब एलसीडी में तो लिक्विड भरा हुआ था और एलईडी में क्या भरे हुए हैं, क्या लगा हुआ है? डायोड लगे हुए हैं। डायोड क्या है? इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स हैं, जो जैसे ट्रांजिस्टर होते हैं, कैपेसिटर होते हैं, उसी तरह डायोड बने हुए हैं। तो डायोड में क्या निकलती है? लाइट निकलती है, लाइट एमिटिंग डायोड, ऐसे डायोड जिसमें से लाइट अपने आप निकले, तो वो डायोड किसमें लगे होते हैं? एलईडी में। तो एलईडी की जो स्क्रीन बनी होती है वो डायोड की बनी होती है। जैसे जुगनू में से लाइट निकलती है, वैसे छोटे छोटे बल्ब कह दें हम सामान्य भाषा में, जिनमें लाइट निकलती है, उसका नाम क्या है? एलईडी है। तो फुल फॉर्म में दिखाई देना है, आपने ध्यान रखना है। एक बार पूछा गया एलसीडी में डी का मतलब क्या है? डी का मतलब डिस्प्ले है, और एलईडी में डी का मतलब क्या है? डायोड। तो बच्चे यहां गलती कर देते हैं, यहां भी डिस्प्ले कर देते हैं। तो एलसीडी लाइट लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, और एलईडी का पूरा नाम है लाइट एमिटिंग डायोड, ऐसे डायोड जिसमें से लाइट निकले। दोनों सेम टाइप के, एलसीडी और एलईडी देखें, देखने में सेम लगते हैं बाहर से। अगर हम कहें एलसीडी में लिक्विड भरा हुआ तो एलईडी में डायोड लगे हुए हैं, तो इनमें फर्क क्या है, देखने में क्या फर्क लगेगा? सेम दिख रहे हैं। तो एलसीडी में तो सामने से देखेंगे पिक्चर साफ दिखाई देगी, लेकिन दाएं बाएं से देखें तो पिक्चर साफ दिखाई नहीं देती। और एलईडी की बात करें तो एलईडी में किसी भी एंगल से देखो, दाएं से देखो, बाएं से देखो, सामने से देखो, सब में पिक्चर क्या दिखाई देती है? साफ दिखाई देती है। एलईडी की क्वालिटी एलसीडी के उससे बढ़िया होती है। तो पहले एलसीडी यूज होती थी, अब एलईडी ज्यादा है। इसके साथ साथ एक और टेक्निक है स्क्रीन की, जिसका नाम है प्लाज्मा। प्लाज्मा भी एलईडी की तरह है, लेकिन प्लाज्मा बड़े साइज की आती है, बड़ी 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 स्क्रीनें आती हैं, उनको क्या कहते हैं? प्लाज्मा कहते हैं। उनमें क्या भरी होती है? गैस भरी होती है। कौन सी गैस भरी होती है? नियोन गैस भरी होती है। तो लास्ट स्क्रीन हम कह दें पांचवा प्रोजेक्टर, प्रोजेक्टर इमेज को कहां दिखाता है? पर्दे पर, दीवार पर। हम जाते होंगे फिल्म देखने के लिए, फिल्म देखने के लिए थिएटर के अंदर गए तो पीछे से लाइट आ रही होती है और सामने पर्दे पर दीवार पर पड़ती है जहां पर हम फिल्म देखते हैं। तो पीछे क्या लगा हुआ है? प्रोजेक्टर लगा हुआ है। तो प्रोजेक्टर इमेज को कहां दिखाएगा? दीवार पर दिखाएगा। प्रोजेक्टर लगा हुआ, दीवार पर लाइट पड़ेगी, दीवार पर आपको फिल्म दिखाई देगी या कोई और फोटो वोटो दिखाई देंगी, तो वो क्या कहलाएगा? प्रोजेक्टर कहलाएगा। तो पांच प्रकार के हमने वीडियो पढ़े। पहला है मॉनिटर। मॉनिटर के अंदर ट्यूब लगी होती है, उसका नाम है सीआरटी। सीआरटी का पूरा नाम है कैथोड रे ट्यूब। फिर हमने पढ़ा एलसीडी। एलसीडी का पूरा नाम है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। फिर हमने पढ़ा एलईडी। एलईडी का पूरा नाम है लाइट एमिटिंग डायोड। फिर हमने पढ़ा प्लाज्मा। प्लाज्मा के अंदर गैस भरी होती है, नियोन गैस। और फिर हमने पढ़ा प्रोजेक्टर। और प्रोजेक्टर स्क्रीन को कहां दिखाता है? पिक्चर को कहां दिखाता है? दीवार पर दिखाता है। इसके अलावा साउंड आउटपुट डिवाइस, साउंड अगर सुननी है, रिकॉर्ड करनी है तो माइक चाहिए। तो माइक तो इनपुट डिवाइस है, और सुननी है तो क्या चाहिए? स्पीकर चाहिए। स्पीकर में सुनाई देगा। तो स्पीकर क्या है? स्पीकर भी, स्पीकर आउटपुट डिवाइस है। कौन सा आउटपुट डिवाइस है? साउंड आउटपुट डिवाइस। तो साउंड आउटपुट डिवाइस कौन सा है? स्पीकर है।
तो ये हमने पढ़ा दोस्तों सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस। इसके बाद हमारा है नेक्स्ट टॉपिक हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस। लास्ट टाइम में हमने पढ़ा था हार्ड कॉपी का मतलब क्या है, जो कागज पे छपा हुआ है वो सब क्या है, हार्ड कॉपी है। मेमोरी में स्टोर है वो सॉफ्ट कॉपी है, स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है वो सॉफ्ट कॉपी है। अगर उसको प्रिंट कर दें कागज पर, तो कागज पर छाप दिया है तो वो क्या कहलाएगा, हार्ड कॉपी। तो कागज पर कौन छापेगा, कागज पर प्रिंटर छापेंगे जी। तो हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस में दो चीजें लिख ली हमने, एक तो प्रिंटर होते हैं, हमने देखे हैं सामान्य तौर पे कागज पे छापने के लिए प्रिंटर है, और दूसरा क्या है, प्लॉटर है। तो दो चीजें लिखी मैंने हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस में, पहला लिखा है प्रिंटर और दूसरा क्या लिखा है हमने, प्लॉटर। प्रिंटर भी प्लॉटर भी एक प्रकार के प्रिंटर है, क्या कटिंग वाली मशीनें हैं, अलग अलग प्रकार का डिजाइन काटने वाली मशीनें हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, प्लॉटर कहते हैं। तो सिंपल प्लॉटर में कोई ज्यादा चीज ध्यान में नहीं रखनी। तो क्वेश्चन बीच में एक बार आया कि प्लॉटर किस तरह से ऑपरेट करता है, जो प्लॉटर ऑपरेट करता है पेन और पेंसिल लाइक ऑपरेट करता है। तो जो प्लॉटर जो हम लिखेंगे ऑपरेट लाइक, ऑपरेट यानी चलना, लाइक यानी तरह, पेन और पेंसिल। जो पेन और पेंसिल की तरह चलते हैं इस प्रकार के आउटपुट डिवाइस वो क्या कहलाते हैं, प्लॉटर कहलाते हैं। तो प्लॉटर क्या है, पेन और पेंसिल की तरह डिजाइन को काटने के लिए जो यूज हो रहे हैं, अलग अलग प्रकार का डिजाइन काटे हैं, तो उनको क्या कहेंगे हम, प्लॉटर। तो मेन हमें इसमें क्या पढ़ना है, प्रिंटर्स के बारे में पढ़ना है, हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस में प्रिंटर पढ़ रहे हैं। प्रिंटर टेक्निक के हिसाब से कितने प्रकार के हैं, टेक्निक के हिसाब से हम देखें, तकनीकी के हिसाब से देखें तो प्रिंटर दो प्रकार के होते हैं, पहला है जी इम्पैक्ट और दूसरा है नॉन इम्पैक्ट, इम्पैक्ट एंड नॉन इम्पैक्ट। तो तकनीकी के हिसाब से दो प्रकार के प्रिंटर आपको ध्यान रखने हैं, पूछ सकता है क्वेश्चन आ सकता है इनमें से कौन सा इम्पैक्ट प्रिंटर है। तो चार ऑप्शन दिए होंगे, उनमें से आपने सेलेक्ट करना है कौन सा इम्पैक्ट है, या पूछ सकता है इनमें से कौन सा नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। तो नाम ध्यान रखने, इम्पैक्ट प्रिंटर में क्या आ जाता है, सबसे पॉपुलर नाम है, सबसे यूजेबल नाम है, जिसका नाम है DMP, सबसे क्वालिटी इसकी लो होती है लेकिन जल्दी खराब नहीं होता, मेंटेनेंस लो है इसकी, मरम्मत पे खर्चा सबसे कम आता है DMP पे। कहाँ मिलता है देखने को, रेलवे स्टेशन चले जाएं टिकट काटेंगे तो जो टिकट काटने वाली जो मशीन है, प्रिंटर है, वो कौन सा लगाया हुआ है, उन्होंने DMP लगाया हुआ है। DMP का पूरा नाम क्या है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, डॉट डॉट करके प्रिंट करे, राम प्रिंट करना है तो ऐसे डॉट डॉट करके प्रिंट हो, डॉट्स को यूज करके प्रिंटिंग हो, तो वो प्रिंटर क्या कहलाएगा, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर कहलाएगा, नाम से पता चल रहा। हम देखेंगे रेलवे की टिकट के अंदर किस स्टेशन से किस स्टेशन तक जाना है, तो वो नाम किससे प्रिंट होता है, ये मशीन से, और वो देखेंगे नाम को ध्यान से तो डॉट डॉट की फॉर्म में होता है, तो वो प्रिंटर क्या कहलाएगा, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। बाकी तीन और प्रिंटर हैं जो अपने नाम याद करने यूज होते नहीं है, तो क्या है जी, एक डेजी व्हील प्रिंटर, व्हील यानी पहिया, पहिए की शेप में होगा, चेन प्रिंटर, ड्रम प्रिंटर, तो ये चार नाम ध्यान रखने हैं। ये चेन की तरह है, चेन यानी पट्टे की तरह है, उस पर अक्षर बने हुए हैं, तो वो प्रिंटर क्या कहलाएगा, चेन प्रिंटर। व्हील यानी पहिए की तरह है, उसके ऊपर अक्षर बने हुए हैं, वो टकराएंगे तो जो टकराने वाली टेक्नोलॉजी है तो उसको क्या कहेंगे, इम्पैक्ट।
टाइपराइटर टाइप की टेक्नोलॉजी है जिसमें टाइपिंग करें ए प्रेस करते हैं तो ए जाके सीधा कागज के ऊपर टकराता है तो ये छप जाता है, आगे रिबन लगा होता है जैसे टाइपराइटर मशीन में, जो उसमें इंक होती है तो वो टकराता है कागज से तो अक्षर प्रिंट हो जाता है। जो टकराने वाली टेक्नोलॉजी है हम्बर टेक्नोलॉजी, हम्बिंग से काम करें तो उस टेक्नोलॉजी का नाम क्या है, इम्पैक्ट। टाइपराइटर की तरह काम करे, टाइपिंग मशीन की तरह काम करे, उस टेक्नोलॉजी का नाम क्या है, इम्पैक्ट है। तो इसमें चार प्रिंटर किया हमने, डीएमपी, डीएमपी का पूरा नाम डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, डेजी व्हील प्रिंटर, व्हील यानी पहिए की तरह है डेजी व्हील प्रिंटर, चेन प्रिंटर पट्टे की तरह है उसपे अक्षर बने हुए चेन की तरह है, ड्रम प्रिंटर सिलेंडर की तरह है बेलन के आकार का प्रिंटर उस पर अक्षर बने हुए हैं वो छपाई करता है तो वो क्या कहलाएगा, ड्रम प्रिंटर। तो ये चार प्रिंटर के नाम ध्यान रखने हैं, डीएमपी, डीजीबी, चेन और ड्रम, ये कौन सी टेक्नोलॉजी के अंदर आते हैं, इंपैक्ट टेक्नोलॉजी के अंदर आते हैं। दूसरा हमने नॉन इंपैक्ट में कौन कौन से आते हैं, तो ये इंपैक्ट टेक्नोलॉजी का हमने किया, नॉन इंपैक्ट टेक्नोलॉजी में कौन कौन से प्रिंटर हमें आते हैं, इसमें भी चार का नाम लिख रहा हूं मैं। पहला है जी इंकजेट प्रिंटर, ये इंकजेट प्रिंटर है, कलर प्रिंटर होता है। तो मार्केट में जो दुकानों पे जाओगे इसकी फोटो स्टेट वाली दुकानों पे, वहां कलर प्रिंटर रखा होगा, वहां उस कलर प्रिंटर का नाम क्या है, इंकजेट प्रिंटर है। उसमें कार्ट्रेज होती है, बोतल होती है जिसके अंदर इंक होती है, उस बोतल का नाम क्या है, कार्ट्रेज है, और उस कार्ट्रेज के अंदर लिक्विड इंक होती है, पानी वाली शाही होती है, तो वो पानी वाली शाही वाला प्रिंटर क्या कहलाता है, इंकजेट प्रिंटर कहलाता है। और ज्यादातर किसके लिए, कलर प्रिंटिंग के लिए इसका यूज किया जाता है। स्पीड स्लो है, प्रिंटिंग निकलेगी रुक रुक के, धीरे धीरे निकलेगी इस प्रिंटर की। क्वालिटी लो है, और क्या है जी, इसमें मेंटेनेंस हाई है, यानी इसकी मरम्मत का खर्चा क्या लगता है, ज्यादा लगता है। इसीलिए अगर इस प्रिंटर से छपाई करके वो देगा तो पैसे थोड़े ज्यादा लेगा, क्योंकि इसमें छपाई का खर्चा क्या है, ज्यादा है। प्रिंटर सस्ता है, छपाई महंगी है। इसके अलावा है जी लेजर प्रिंटर, ये इससे महंगा है, इंकजेट से महंगा है। तो दो प्रिंटर रखे होते हैं उन्हें, एक तो ब्लैक एंड व्हाइट निकालने के लिए लेजर, आजकल फोटोस्टेट मशीन से निकाल देते हैं। लेजर के अंदर पाउडर इंक होती है, सूखी इंक होती है, इसमें पानी वाली इंक है, इसमें पाउडर है, सूखा पाउडर। तो ये पाउडर जो है सूखने का खतरा नहीं है, लिक्विड इंक सूख सकती है जिससे कार्ट्रेज खराब हो सकती है, इसमें कार्ट्रेज खराब होने का इतना खतरा नहीं है। और ये इसमें क्वालिटी क्या है इसकी, हाई है। स्पीड क्या है इसकी, फास्ट है। मेंटेनेंस इसकी क्या है, लो है। प्रिंटर कॉस्टली, महंगा है। तीसरा हमने प्रिंटर लिखा थर्मल प्रिंटर, थर्मल यानी हीट से, थर्मल हम कहें, थर्मल का वैज्ञानिक नाम थर्मल है, और वैसे थर्मल को क्या बोलते हैं, हीट, उष्मा, गर्मी। जो हीट का यूज करके छपाई करे, गर्मी का यूज करके छपाई करे, ऐसे प्रिंटर का नाम बताइए। तो ऐसे प्रिंटर का नाम क्या है, थर्मल प्रिंटर है। कहां यूज होता है, हम देखेंगे बसों के अंदर आजकल एक मशीन लेके चलते हैं, उस मशीन से टिकट निकल जाती है तो स्लिप सी निकलती है, तो वो प्रिंटर कौन सा है जी, थर्मल प्रिंटर है। एटीएम मशीन में पूछे क्वेश्चन आ जाए, एटीएम मशीन में कौन सा प्रिंटर लगा होता है, तो हम क्या कहेंगे, आंसर थर्मल प्रिंटर यूज होता है। और चौथे प्रिंटर का नाम हम कर रहे हैं यूवी प्रिंटर, यूवी का पूरा नाम है अल्ट्रा वायलेट को हिंदी में कहते हैं प्राबैंगनी किरणें। सूर्य के प्रकाश में भी प्राबैंगनी किरणें होती हैं,
जो धरती पे आ जाए तो क्या फैलाएंगी जी? कैंसर फैलाएंगी, स्किन कैंसर हो जाएगा, त्वचा का कैंसर हो जाएगा हमें। इन किरणों को धरती पे आने से कौन रोकता है? ओजोन परत रोकती है। तो अल्ट्रा वायलेट प्रिंटर है, इन अल्ट्रा वायलेट प्रिंटर इन पराबैंगनी किरणों को यूज करके, मेडिकल साइंस के अंदर यूज होता है, तो इन पराबैंगनी किरणों को यूज करके छपाई करता है। तो नॉन इंपैक्ट में हमने चार प्रिंटर किए हैं, पहला कौन सा है? इंकजेट प्रिंटर, दूसरा लेजर प्रिंटर, तीसरा थर्मल प्रिंटर, चौथा क्या है? यूवी प्रिंटर। यूवी का पूरा नाम हमने किया अल्ट्रा वायलेट प्रिंटर, पराबैंगनी किरणों से छपाई करेगा तो वो अल्ट्रा वायलेट। तो आपको ध्यान रखना प्रिंटर दो प्रकार के हैं, इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट। इम्पैक्ट में चार प्रिंटर किए हैं और नॉन इम्पैक्ट में चार प्रिंटर किए हैं, ये नाम नोट कर लेंगे, याद रख लेंगे। जो क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर आया हुआ है तो वो आपसे पूछ सकता है, तो आपने इजीली जवाब दे सकते हो आसानी से अगर आपने इसको पढ़ा है। क्वालिटी ऑफ द प्रिंटर, प्रिंटर की क्वालिटी है, क्वालिटी देखनी है प्रिंटर की, तो उसकी इकाई है एक। प्रिंटर खरीदते समय हमने इस बात का ध्यान रखना है क्वालिटी क्या है उसकी, तो क्वालिटी की इकाई क्या है? डीपीआई। डीपीआई का पूरा नाम डॉट्स पर इंच, एक इंच जगह पर कितनी डॉट छपेंगी, जितनी नंबर ऑफ डॉट्स ज्यादा होंगी उतनी छपाई बढ़िया होगी। क्या आएगा? 200 डीपीआई का प्रिंटर। मतलब क्या है? एक इंच पर 200 डॉट छपेगा और एक प्रिंटर है 300 डीपीआई का, तो इसका मतलब है एक इंच की जगह पर कितनी डॉट छपेगा? वो 300 डॉट छपेगा, और जितनी नंबर ऑफ डॉट्स ज्यादा होंगी उतनी ही क्वालिटी बढ़िया आएगी, उतना ही गाढ़ा होगा प्रिंट। ठीक है, तो आपने ध्यान रखना है 200 डीपीआई का है, 300 का है, 500 का है, और वो जितने डीपीआई ज्यादा होंगे तो उतनी क्वालिटी बढ़िया होगी। जैसे कैमरा है, कैमरे की क्वालिटी किस में देखते हैं? पिक्सल्स में। जितने पिक्सल्स ज्यादा होंगे उतनी कैमरे की क्वालिटी बढ़िया होगी, या स्क्रीन की क्वालिटी देखेंगे तो पिक्सल में देखेंगे, इतने मेगा पिक्सल का कैमरा है, 5 मेगापिक्सल का है, 10 का है, 15 का है, कितने मेगा पिक्सल। जितने नंबर ऑफ पिक्सल ज्यादा होते हैं उतनी क्वालिटी बढ़िया होती है। पिक्सल्स का है स्मॉलेस्ट पिक्चर एलिमेंट। पिक्चर का सबसे छोटा एलिमेंट टुकड़ा भाग, तो उसको क्या कहते हैं? पिक्सल्स। पूरी जो स्क्रीन बनी है वो किससे मिलके बनी है? पिक्सल्स से मिलके बनी है। तो स्क्रीन की क्वालिटी देखनी हो, फोटो की क्वालिटी मोबाइल के अंदर देखनी हो, कैमरे के अंदर देखनी हो मोबाइल के, तो क्या देखेंगे? कितने पिक्सल्स हैं। और प्रिंटर की क्वालिटी देखनी हो तो क्या देखेंगे? डीपीआई देखेंगे, डॉट्स पर इंच देखेंगे। तो इसमें एक वर्ड आता है आपको ध्यान में रखना है, रिजोल्यूशन। स्क्रीन के अंदर रिजोल्यूशन का मतलब है टोटल नंबर ऑफ पिक्सल्स, कुल पिक्सल्स की संख्या। और इसका एक फार्मूला ध्यान में रखना है रिजोल्यूशन का, नंबर ऑफ रिजोल्यूशन इक्वल टू है नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल पिक्सल्स गुणा नंबर ऑफ वर्टिकल पिक्सल्स। जो लेटी हुई लाइन है इसको हॉरिजॉन्टल बोलेंगे, और जो खड़ी हुई लाइन है इसको क्या कहेंगे? वर्टिकल। ये मार्कर मैंने लेटा दिया तो कौन सी पोजीशन में है? हॉरिजॉन्टल पोजीशन में है, और मार्कर को मैंने खड़ा कर दिया, लंबवत कर दिया, तो वो कौन सी पोजीशन में है? वर्टिकल पिक्सल। तो नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल पिक्सल गुणा नंबर ऑफ वर्टिकल पिक्सल्स, उस वर्ड को कहते हैं रिजोल्यूशन।
और रिजोल्यूशन जितनी ज्यादा हाई होगी उतनी पिक्चर की क्वालिटी क्या होगी, बढ़िया होगी। तो इस प्रकार से नंबर दिया होगा, जैसे मान लो उसने लिखा 400 × 300, इसका मतलब है 400 तो ओरिजेंटल है और 300 क्या है, वर्टिकल है। 500 × 400, 600 × कुछ ऐसे नंबर दिए होंगे। अगर आपके कैमरे की क्वालिटी बढ़िया है तो इसका मतलब नंबर ऑफ पिक्सल ज़्यादा है, नंबर ऑफ पिक्सल ज़्यादा है तो फोटो खींचोगे तो फोटो या वीडियो मेमोरी में स्पेस ज़्यादा लेंगे, मेमोरी जल्दी फुल हो जाएगी। तो क्या करो, क्वालिटी लो कर दो। कहाँ से करेंगे, कैमरे की सेटिंग में जाएंगे, रिजोल्यूशन कम करेंगे। वर्ड ध्यान होना चाहिए, रिजोल्यूशन इसकी कम करना, हमें पता नहीं रिजोल्यूशन होती क्या जी। तो रिजोल्यूशन क्या है, टोटल नंबर ऑफ पिक्सल, नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल पिक्सल गुणा में नंबर ऑफ वर्टिकल पिक्सल्स। उसमें एक वर्ड भी आता है एस्पेक्ट रेशियो, वर्ड है एस्पेक्ट रेशियो। एस्पेक्ट रेशियो क्या है, हॉरिजॉन्टल पिक्सल डिवाइड बाय वर्टिकल पिक्सल्स, और ज्यादातर क्या होता है 4:3 का रेशियो होता है, हमारी आईज के अकॉर्डिंग होता है एस्पेक्ट रेशियो। ठीक है, तो ये 4 होना चाहिए और ये क्या होना चाहिए, 3, यानी 4:3, 4:3 कह दें, 4:3 कह दें, 4:4:3 कहते हैं। बात क्या है, एक एक ही है, 3 है, 4:3 है। तो रिजोल्यूशन क्वालिटी कम ज़्यादा की जा सकती है, उससे पिक्चर का क्वालिटी कम कर दोगे तो पिक्चर का साइज छोटा होगा, क्वालिटी बढ़ा दोगे तो पिक्चर का साइज बड़ा होगा, मेमोरी में उतनी ही ज़्यादा जगह है। तो ये हमने किया क्वालिटी ऑफ द प्रिंटर। अब हमारा स्पीड ऑफ द प्रिंटर, प्रिंटर की स्पीड मापनी हो, उसकी इकाई क्या है, यूनिट क्या है। स्पीड ऑफ द प्रिंटर, प्रिंटर की स्पीड मापने की इकाई यूनिट क्या है, सीपीएम। सीपीएम का पूरा नाम करैक्टर्स पर मिनट, मतलब प्रिंटर एक मिनट में कितने करैक्टर छापेगा। करैक्टर का मतलब अक्षर होते हैं, मैंने राम लिखा है तो राम में कितने करैक्टर हैं, 3 है, आर एक हो गया, ए दूसरा, तीसरा एम हो गया, तो 3 करैक्टर हो गए राम में। शाम में 4 हो गए, एस एच ए एम, वाई एम के एम कहेंगे तो 5 हो गए। तो कितने नंबर ऑफ करैक्टर से एक मिनट में छपेगा, तो वो क्या है, स्पीड है, सीपीएम है। पहले मापते थे, पहले प्रिंटर आते थे, वो करैक्टर प्रिंटर होते थे, एक टाइम में एक ही करैक्टर छापते थे, एक ही अक्षर छापते थे। फिर उसके बाद आए एलपीएम, एलपीएम का पूरा नाम है लाइंस पर मिनट। इसके बाद जो प्रिंटर आए वो एक बार में पूरी लाइन ही छाप देते थे, तो उनकी स्पीड किसमें मापते थे, लाइंस पर मिनट में। और अब जो है प्रिंटर हैं उनकी स्पीड है पीपीएम, पीपीएम का पूरा नाम है पेजेस पर मिनट, पेजेस पर मिनट, एक मिनट में कितने पेज छाप देंगे, और जितने नंबर ऑफ पेज ज़्यादा छापेंगे तो उतनी स्पीड क्या है, फास्ट है। तो आजकल आप प्रिंटर देखने जाओ तो दो चीज़ देखो, एक तो पीपीएम कितने नंबर ऑफ पेजेस एक मिनट में छापेगा, दूसरा क्या देखो, डीपीआई क्वालिटी। डीपीआई का पूरा नाम मैंने बताया था डॉट्स पर इंच, और जितनी नंबर ऑफ डॉट्स ज़्यादा होंगी उतनी क्वालिटी बढ़िया होगी। तो ये आज हमने किया है किसके बारे में, आउटपुट डिवाइस के बारे में। आउटपुट डिवाइस मैंने करवाया दो प्रकार का, एक सॉफ्ट कॉपी है, दूसरा हार्ड कॉपी है। सॉफ्ट कॉपी में हमने स्क्रीन की है, स्क्रीन में हमने वीडियो किया है, वीडियो का पूरा नाम है विजुअल डिस्प्ले यूनिट, और वीडियो के अंदर हमने पांच प्रकार की स्क्रीन की हैं। पहला मॉनिटर हो गया, मॉनिटर के अंदर ट्यूब है सीआरटी, फिर एलसीडी, एलईडी, प्लाज्मा, प्रोजेक्टर, फिर हमने साउंड आउटपुट डिवाइस किया स्पीकर, फिर हमने हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस किया, हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस में प्रिंटर किया और प्लॉटर किया है। प्लॉटर मैंने बताया क्या, जो पेन पेंसिल की तरह फ्री स्टाइल चलते हैं वो प्लॉटर होते हैं, और ज़्यादातर जो कटर हैं वो किसका काम करते हैं, प्लॉटर का काम करते हैं। फिर हमने प्रिंटर किया, प्रिंटर की दो टेक्निक की, इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट। इम्पैक्ट में 4 प्रिंटर के नाम लिखवाए मैंने, ये पहला नाम क्या है, डीपीआई है, फिर चेन प्रिंटर, ड्रम प्रिंटर, और एक है डेजीविल प्रिंटर। फिर हमने किया नॉन इम्पैक्ट, नॉन इम्पैक्ट के अंदर हमने प्रिंटर किया, इंकजेट किया, लेजर किया, थर्मल किया और यूवी प्रिंटर किया।
फिर हमने क्वालिटी ऑफ द प्रिंटर की है, क्वालिटी किस में मापते हैं, डीपीआई पे, डॉट्स पर इंच में। फिर हमने किया स्पीड ऑफ द प्रिंटर, प्रिंटर की स्पीड मापने की इकाई है सीपीएम, एलपीएम और पीपीएम। सीपीएम का पूरा नाम क्या है, करेक्टर्स पर मिनट, एलपीएम का पूरा नाम क्या है, लाइंस पर मिनट, और पीपीएम का पूरा नाम क्या है, पेजेस पर मिनट। इसमें मैंने बीच में बताया स्क्रीन के अंदर, जैसे प्रिंटर के अंदर डॉट्स होती हैं, स्क्रीन के अंदर क्या होते हैं, पिक्सल्स होते हैं, और पिक्सल्स में ज़्यादा होंगे तो क्वालिटी स्क्रीन की बढ़िया होगी, कैमरे की क्वालिटी बढ़िया होगी। और फिर हमने किया रिजोल्यूशन वर्ड, रिजोल्यूशन वर्ड में नंबर ऑफ पिक्सल्स कितने ज़्यादा हैं, जितने नंबर ऑफ पिक्सल ज़्यादा होगी उतनी रिजोल्यूशन बढ़िया होगी, उतनी क्वालिटी बढ़िया होगी। तो ये आप आशा करता हूँ ठीक से पढ़ेंगे, और इसमें कई क्वेश्चंस आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बन रहे हैं, आए हैं, आते हैं, ठीक है। तो धन्यवाद, अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।